नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रत्नों के द्वारा रोगों से कैसे लाभ लिया जाए इस पर चर्चा करेंगे। रत्न केवल भाग्योदय के लिए ही नहीं पहने जाते, बल्कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी पहने जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब सितारों की राख से बने हुए हैं और उन्हीं राखों से रत्न भी बने हुए हैं। आयुर्वेद में पहले के समय में लोग जड़ी और बूटी दोनों चीजों का इस्तेमाल करते थे। जड़ी यानी वह पेड़ जो किसी विशेष ग्रह से जुड़ा होता था। जैसे यदि किसी को सूर्य जनित समस्याएं हैं तो उसे मदार या फिर बेल पत्र की जड़ पहनने के लिए कहा जाता था और उसके बाद औषधि दी जाती थी। अमीर लोगों के लिए रत्न बताए जाते थे और उसके बाद औषधि दी जाती थी। यहाँ पर भी औषधि प्रमुख है। रत्न केवल सहायक होते हैं उस बीमारी को दूर करने में। जैसे आजकल के समय में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पहले आपको गैस की गोली देगा कि आप इसे खाली पेट जरूर खा लीजिएगा। वैसे ही आयुर्वेद के अनुसार जड़ी या रत्न पहनने का प्रावधान है जो उस संबंधित ग्रह से होता है। सबसे पहला रत्न माणिक्य ही होता है क्योंकि यह सूर्य का रत्न है। इसे पद्मराग या याकूत के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य का रत्न माना जाता है, इसीलिए प्रातः हमें सूर्य को जल देने को कहा जाता है। इस रत्न को पहनने से धातु पुष्ट होता है, शरीर में शक्ति आती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। रक्त संबंधित यदि कोई समस्या है तो उससे छुटकारा मिलता है, विशेष रूप से हृदय और मस्तिष्क संबंधित समस्या। व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है तथा नेत्रों के दोष भी दूर होते हैं। जिस व्यक्ति में साहस की कमी होती है उसे माणिक्य पहनने के लिए कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नपुंसकता, धातु छिड़ता, हृदय रोग, मंदाग्नि, क्षय, जनेन्द्रिय से संबंधित समस्या, रक्त अल्पता, पांडु रोग यानी पीलिया में विशेष रूप से माणिक्य को लाभकारी माना गया है। यह नाड़ी की गति को बढ़ाता है जिससे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही दूसरा रत्न है जिसे हम मोती कहते हैं। यह चंद्र ग्रह का रत्न कहा जाता है। चंद्र का प्रभाव मन पर होता है, साथ ही मस्तिष्क में उठने वाले विचारों पर होता है। मस्तिष्क के रोगियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। नेत्र दोष में भी यह लाभकारी होता है। जिन लोगों को आंखों की जलन की समस्या है उन लोगों को मोती धारण करना चाहिए। इसे शीत यानी शीतल रत्न कहा गया है। मूर्छा, मिर्गी, दांतों के रोग, पायरिया, हृदय रोग, कंपन रोग यानी श्वास के रोग, कफ संबंधित समस्याएं, क्षय यानी टीवी, खांसी इत्यादि में इसे लाभकारी माना गया है। यह मूत्र रोगों में भी कुछ हद तक लाभकारी होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करता है। यदि चंद्र अनुकूल है तो इसे धारण करने से मन में शीतलता और शांति रहती है। मूंगा, प्रवाल या मरजान, इस रत्न की एक विशेषता यह है कि यह रक्त का रत्न है यानी यह लाल रंग का होता है। रक्त में किसी भी तरह की अशुद्धि के लिए इसे धारण कराया जाता है। चोट लगना, घाव होना, फूड़ा फुंसी होना, महिलाओं में अत्यधिक श्राव होना, मासिक धर्म का अनियंत्रित होना, कैंसर जैसे रोगों में इसे लाभकारी माना गया है। यह शरीर की कांति को बढ़ाता है। व्यक्ति को यदि भूख कम लगती है तो मूंगा धारण कराया जाता है क्योंकि यह भूख भी बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार विषम ज्वर यानी मलेरिया, कफ आदि विकारों में इसे उत्तम माना गया है। यह भूतपादा, रक्तचाप, हृदय, नेत्र विकार, खसरा आदि में बचाव के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। वर्ण चिकित्सा पद्धति के अनुसार सिंदूरी रंग का देसी मूंगा गुर्दे और कर्मेंद्रियों संबंधित समस्याओं को ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऐंठन जकड़न में लाभकारी होता है, साथ ही कैल्शियम के उपापचयन में ये मदद करता है। फेफड़े संबंधित या पेनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये लाभकारी होता है। यदि नाड़ी में कोई कमी महसूस होती है तो कई बार वैद्य मूंगा पहनने के लिए लोगों को बताते हैं। ऐसे ही अगला रत्न पन्ना है जिसका उपरत्न मरकज कहा जाता है, जिसे जमूरन भी कहते हैं। पन्ना शरीर में बढ़ जाने वाली प्यूटिटरी ग्लैंड की वृद्धि और मांसपेशियों के कुप्रभाव को कम करता है। यह हृदय में उत्तम भावनाएं उत्पन्न करता है यानी पॉजिटिविटी देता है, मानसिक तनाव को दूर रखने में मदद करता है, शरीर में रक्त संचार को सही करता है, त्वचा संबंधित समस्याओं में विशेष लाभकारी होता है। मांस, बाल, नसें,
हड्डियां इत्यादि पर इसका विशेष प्रभाव होता है। यह इन्हें पुष्ट करता है यानी मजबूत करता है, शरीर को शक्तिशाली बनाने में सहायक होता है। चर्म रोग हो, नसों संबंधित रोग हो, बालों का गिरना, बालों का जल्दी सफेद होना, टूटना आदि में पन्ना विशेष लाभकारी होता है। फिरोजा भी पन्ना का एक उपरत्न कहा जाता है और बालों संबंधित समस्या में या त्वचा संबंधित समस्या में फिरोजा बड़ा लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह सन्निपात ज्वर, विषकारक वमन और प्यास, अम्लपित्त यानी एसिडिटी, पांडु यानी पीलिया और मलावरोध यानी कॉन्स्टिपेशन में लाभकारी माना गया है। यह स्मरण शक्ति की कमी को भी दूर करता है। बुध बाल्यकाल का कारक कहा जाता है, इसलिए कई बार लोग बच्चों को इससे संबंधित उपरत्न या पन्ना पहना देते हैं। पुखराज या पुष्पराज, यह भी मानसिक रोगों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। बुद्धि तथा विद्या व विवेक बढ़ाने वाला होता है। मन मस्तिष्क में अकारण निरर्थक विचार आते हैं, उनको रोकता है। इसीलिए पुखराज को व्यापार के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे आपका दिमाग काफी हद तक सेंट्रिक रहता है यानी केंद्र में रहता है, जिससे अन्य विचार आपको परेशान नहीं करते। यह भय, संशय, मोह, भूत बाधा, जादू टोना इत्यादि की समस्याओं को दूर करता है। यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है, विशेष रूप से यदि आपको मानसिक चिंताएं ज्यादा हैं तो। यह पित्तनाशक कहा गया है। गहरे रंग का पुखराज मोटर तंत्रिकाओं को क्रियाशील करता है यानी मांसपेशियों में मस्तिष्क और हाथों के संबंध को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी अगर आप हाथ के कष्टकार हैं तो भी आपको पुखराज पहनना लाभकारी बताया गया है। यह शरीर में मांस को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए पुखराज धारण करने पर अक्सर लोग मोटापे के बारे में कहते हैं। यदि कोई बहुत पतला व्यक्ति है उसे पुखराज पहनाया जाए तो उसका वजन बढ़ने लगता है। यह तो प्रयोगों में मेरे द्वारा भी देखा गया है। यह पित्त दोष को शांत करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, हृदय रोगों को सही करने में मदद करता है। विष विकार, वमन, वात, मंदाग्नि, दाह, कुष्ठ रोग, बवासीर आदि में लाभकारी माना जाता है। हालांकि पाइल्स के लिए सबसे अच्छा रत्न माहे मरियम होता है, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। हीरा, हीरे का सर्वाधिक प्रयोग वीर्य, प्रजनन अंगों संबंधित समस्याओं में होता है। स्त्री रोग, स्वप्न दोष, प्रमेह, प्रसूति, नपुंसकता, मूत्र जनित समस्याओं में लाभकर होता है। लार, रक्त, मज्जा, शुक्र को पुष्ट करने में हीरे का विशेष योगदान माना गया है। हीरे में तीन तरह के भेद बताए गए हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। जो बड़े आकार का हीरा होता है उसे पुरुष षडकोण हीरे को, स्त्री और तिकोने आकार के हीरे को नपुंसक कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हीरा शरीर को पुष्ट करता है, बलवर्धक होता है, काम उत्तेजक होता है, वात पित्त कुष्ठ क्षय कफ प्रमेह भयंदर पांडु रोग यानी पीलिया में लाभकारी बताया गया है। यदि किसी महिला को स्त्री संतान की इच्छा है तो वह हीरा या उससे संबंधित उपरत्न धारण कर सकती हैं। विद्वानों का मत है कि जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना है उन्हें तिकोने आकार का हीरा पहनना चाहिए। कुछ विद्वानों के अनुसार हीरा पहनने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है, शत्रु वशीकरण होता है, तेज में वृद्धि होती है, सुख विद्या का लाभ मिलता है, संपत्ति का लाभ मिलता है, बिजली का भय नहीं रहता और अकाल मृत्यु नहीं होती तथा जादू टोने का प्रभाव नहीं होता, मिर्गी और विषैले जीवों का भय भी नहीं रहता है। नीलम, जिसे हम नीलमणि, दक्षायण या याकूत के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रभाव शरीर के संचालन पर पड़ता है। शनि को कर्म का कारक कहा गया है, इसलिए जो भी काम आप करते हैं अपने शरीर से वो शनि द्वारा प्रभावित होते हैं। यदि शरीर में अक्षमता है किसी भी तरह की तो हो सकता है कि आपका शनि कहीं ना कहीं समस्या दे रहा हो। अपंगता में यह बहुत लाभकारी होता है। मिर्गी पक्षघात यानी पैरालिसिस में विशेष लाभकारी होता है। यह वात संबंधित समस्याओं में भी बहुत फायदा करता है। जिन लोगों के शरीर में अकड़न रहती है उनके लिए भी यह बड़ा लाभकारी होता है। यह नेत्र ज्योति बढ़ाता है और शरीर में होने वाली जलन में आराम देता है। नीलम ट्यूमर को रोकने में सहायक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है फोड़े वाला या किसी तरह का ट्यूमर है तो ऐसे व्यक्ति को नीलम पहनने से लाभ मिलता है। यह दमा, मलेरिया, सन्निपात, शुक्राणु दोष, बवासीर आदि में लाभकारी होता है। गोमेद, राहु का रत्न कहा जाने वाला गोमेद बड़ा ही लाभकारी होता है। यह किसी भी तरह के निरर्थक भय से छुटकारा दिलाता है, मानसिक तनाव, मानसिक अशांति, घबराहट से मुक्ति दिलाने में बड़ा लाभकारी होता है। एक ऐसा डर
जो वास्तव में नहीं है लेकिन आपको डर लगा हुआ है, उससे गोमेद आसानी से छुटकारा दिला देता है। ट्यूमर संबंधित किसी भी तरह की समस्या में लाभकारी होता है। पेट के कीड़े, वायु गोला यानी ऊपर की तरफ गैस बनने में गोमेद बड़ा लाभकारी होता है। सूखी खांसी होने पर गोमेद पहनने पर फायदा मिलता है। गुर्दे की पथरी हो, मिर्गी हो, पेट का अल्सर हो, इसमें भी गोमेद पहनने से लाभ मिलता है। इसी तरह लहसुनिया रत्न भी बहुत लाभकारी होता है। इसे अस्त्र शस्त्र से रक्षा के लिए पहना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में अचानक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा यदि आपने लहसुनिया धारण किया हुआ है तो। यह भूत प्रेत बाधा से भी बचाता है। अगर आप पर बार बार कोई जादू टोना कर देता है या बार बार आपको नजर लग जाती है तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया पहनना बड़ा ही उत्तम माना गया है। यह मन और मस्तिष्क के रोगों में भी लाभकारी होता है। तो इस तरह से हमने नवग्रहों के नवरत्नों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी है। हालांकि हमने इस पर बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं और ग्रहों के बारे में भी खूब सारी जानकारियां दी हैं। यदि आपके पास समय हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और ज्योतिष के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।